अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बैठे। बैठे। कुछ ऑर्डर करोगे बेटा? थैंक यू, मुझे कहीं और जाके लंच करना है, आप बात कीजिए। असल में अंदाजा है हमें बेटा कि हदीका से कुछ गलती हुई है, मगर क्या गलती हुई है ये हमें नहीं पता। हदीका का फोन भी ऑफ मिलता है, उससे मिलने गया तो उसने बताने से भी इनकार कर दिया। फरहान से बात करना चाहिए तो वो बहुत भड़का हुआ था, कोई बात करना ही नहीं चाहता। मुझे बस ये जानना है कि क्या गलती हुई है अधिका से, कुछ हमें भी तो पता चले कि क्या किया है उसने, ताकि हम अपनी गलतियों का अजाला कर सके, कुछ माफी तलाफी कर सके। देखिए अंकल, वैसे तो मैं अपने घर के मामलात किसी से डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये बात इतनी मामूली नहीं है, इसलिए मुझे इस बात में कंसर्न लेना पड़ रहा है। हदीका भाभी ने दो बड़े गुनाह किए जिसकी उन्हें कभी माफी नहीं मिल सकती, एटलीस्ट मैं तो कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसा क्या कर दिया उसने बेटा? ऐसा क्या कर दिया? वासिक भाई के बेड के नीचे से तावीज मिला है जो उन्होंने चलाया था, और ये बात साबित भी हो चुकी है। और दूसरा बड़ा गुनाह ये कि हानिया पर नेकलेस चोरी करने का इल्जाम लगाया, और जहां उसका रिश्ता हो रहा था उन्हें कॉल करके कहा कि हानिया चोर है। नहीं बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आप मुझे बताएंगे या मैंने आपसे पूछा है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता? आप लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, झूठ, मक्कारी, फरेबी, कमीनापन, लड़ाई झगड़ा, फसाद। हदीका की मां ने उसे यही सबको सिखा के भेजा है। जब से वो हमारे घर में आई है, हम सब ने सुकून का एक दिन नहीं गुजारा है। फरहान भाई के अलावा सबको उसकी असलियत का पता है, और वैसे भी अब तो फरहान भाई को पता चल ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये शादी इतनी चलने वाली है। बेहतर होगा कि आप हदीका को खुद अपने साथ हमारे घर से ले जाएं। मुझे तो लगता है वो बुखार नहीं है, ड्रामे कर रहे हैं। प्लीज आइए बेटा। बुखार 105 तक पहुंच गया था और यह इंतहाई खतरनाक हो सकता था, लेकिन बुखार आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, और हाँ मैंने नींद के इंजेक्शन भी दे दिए, मगर जब तक मुकम्मल बुखार खत्म ना हो जाए इन्हें रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर साहब। समझिए बेटा, चले मैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। ओके थैंक यू, आइए। क्या हुआ तुम्हें? क्या इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी? तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, ऐसी चल रहा है, क्या बात है? पसीने नहीं तो, हाँ हाँ वो फरहान भाई, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? मुझे लगता है हदीका भाभी ने आप पे जो तावीज करवाया था ना, वो उल्टा उन पर पड़ गया है। मैंने सुना है अगर कोई किसी पे तावीज करवाता है ना, तो उसका उल्टा असर पड़ता है उस पर। मैं सच कह रही हूँ। अम्मी क्या प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में, मुझे भी बताएं जरा। सोच रही हूँ हानिया कि ये काया कैसे पलटनी है। कुछ तो करना पड़ेगा अम्मी इसका। आ गए। आ गई कमबख्त। खड़ी हो, खड़ी हो हानिया, जल्दी से खड़ी हो, पीछे आ मेरा सर दबा। हाँ हाँ। हाय अल्लाह, या अल्लाह, ये सर दर्द मुझे मार देगा किसी दिन। अम्मी सही हो जाएगा, आप टैबलेट भी तो नहीं लेती ना सर के दर्द की?
मेरी बच्ची तू थक जाएगी मेरा सर दबाते दबाते। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना बहन। हाय वालेकुम अस्सलाम, आ गई तुम, आओ बैठो। आप भी आए ना बैठे भाई, तशरीफ रखे हैं। आप भी बस कर, बस कर। अम्मी पानी ला दूं? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बहन? मेरी तबीयत को छोड़ो, अपनी लड़की की जाके फिक्र करो। हमारे तो सर चढ़ने लगी थी वो। क्या सब सब ठीक है ना? अरे खुदा का शुक्र करो कि बच गई है। सारा दिन ये लड़की कमरे से नहीं निकली। 3 बार गई हूं इसके दरवाजे पे, जाके दरवाजे बजाए हैं मगर मजाल है कि खोल दिया हो इस लड़की ने। अरे वो तो शाम को फरहान आया है तो मुझे पता चला है कि बुखार में तपती रही सारा दिन, मगर हमें ना बताया कि बुखार है। अरे पूछे जाके इससे किस बात की सजा दे रही है हमें, चाहती क्या है आखिर? मैं हदीका के कमरे में चली जाऊं? कैसी बातें कर रही हैं? आपको और बुलाया किस लिए? इसीलिए तो बुलाया है, जाएं उसके दिल का हाल जाके जाने, आपको दिल के राज बताएगी। हमें तो वो इस काबिल समझती नहीं कि कुछ बताए, है ना? अरे भाई साहब आप क्यों बैठे हैं, आप भी जाएं ना। जी जी। इधर आ, इसे कहते हैं अपना गुनाह किसी और के सर थोपना, समझ गई? तेज है मम्मी। मुझसे ज्यादा तेज नहीं है, देख लूंगी मैं इसको। कहीं कुछ बता ना दे। अरे बता दे, मैं कोई डरती हूं किसी से? प्लीज आइए। हदीका, हदीका मेरी जान क्या हुआ? मेरी बच्ची। बेटा बुखार कैसा है? बुखार बेहतर है, एक्चुअली डॉक्टर ने वो नींद की इंजेक्शन दी हुई है तो इसलिए नींद में है। प्लीज आप बैठिए, मैं चाय बोलता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटा अब तबीयत तो ठीक है ना? जो कहा था वो कर दिया है ना? जी अम्मी। अच्छी बात है, हमें भी तो पता चले इन दोनों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं हमारे खिलाफ। हानिया चाय बनाकर नीचे लॉन में ले आना मेहमानों के लिए और मेरे लिए भी। जी भाई। मम्मी क्या करने से कहा था आपने फरहान भाई को? इन दोनों की बातें रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल छुपाने के लिए कहा। तुम देखना तमाशा तो अब शुरू होगा।